रुख करेंगे खबरों का। टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग के फाइनल में भारत की भावना पटेल को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद भावना पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने रजत पदक पर कब्जा किया। 34 साल की भावना को फाइनल में चीन की जाओइंग ने 11-7, 11-5, 11-6 से मात दी। मौजूदा पैरालंपिक खेलों में ये भारत का पहला पदक है। भावना ने पहले गेम में जाओइंग को अच्छी टक्कर दी, लेकिन चीन की दो बार की पूर्व स्वर्ण पदक खिलाड़ी ने एक बार यहाँ पर लय हासिल करने के बाद भारतीय खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और सीधे गेम में आसान जीत दर्ज की। तो वहीं पदक जीतने पर क्या कुछ कहना है खुद भावना पटेल का, आप सुनिए। उन्होंने दिया है कि मैं यहाँ तक तो मुझे पहुंचना ही था और मुझे यहाँ से गोल्ड मेडल तो जीतना ही था, लेकिन हाँ मेरे से चूक रह गई है, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी। और मैं खास करके मेरी फैमिली को खास करके थैंक्स बोलना चाहूंगी, और स्पेशल एकदम स्पेशल वाला थैंक्स मैं गॉड को कहना चाहूंगी, क्योंकि गॉड ने अगर मुझे इतनी पावर नहीं दी होती, इतनी शक्तियां नहीं दी होती, तो शायद मैं इतना एफर्ट ना डाल सकती, इतनी मेहनत ही ना कर सकती। तो मैं गॉड को जितना भी मैं बोलूं उनके लिए मतलब बहुत 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 है मेरे दिल में। यस ऑफ कोर्स मैं मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सबको ही ये मेडल डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तो ये जो मेरा मेडल है वो मैं मेरे सारे देशवासियों को और मेरे जो सारे सपोर्टर्स हैं, PCI, साई, OGQ, टॉस, मेरे फ्रेंड्स, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, कांति भाई, और मेरी फैमिली, मेरे कोच सर, उन सबको ही मैं ये डेडिकेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि विदाउट उनके सपोर्ट आई एम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।